गाइस वेलकम टू योर न्यू ब्लॉग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हाँ जी ऋषभ, आप कुछ बोलोगे? अंगूठा बाहर निकालो पहले। अब हाय बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। ये देखिए ऋषभ क्या खा रहा है। क्या खा रहा है ऋषभ, दिखाइए क्या है कटोरी में, क्या है दिखाओ, क्या है ये है? चिज्जी है। किसने दी थी? मम्मी ने दी थी। आपने दूध पिया? पी लिया। बाय बोलो। बाय बोलो। बाय। तो हमारा फाइनली खाने का टाइम हो चुका है और आज हमारे पास है लस्सी विद तड़का एंड बैंगन का भरता एंड चपाती। और चपाती एक्चुअली हमारे यहाँ ना घर पे क्या होता है, घी से निलाई हुई होती हैं तो भाई अलग ही टेस्ट होता है इसका खाने का। ऋषभ आ गया खाना खाने। ऋषभ खाना खाओगे? खाना खाओगे? इधर इधर आओ आगे। क्या खाओगे? चावल खाना है। चावल तो बना ही नहीं आज। रोटी खाओगे? हाथ धुल के आओ पहले, हाथ आपके गंदे हो रहे हैं, जल्दी हाथ साफ करके आओ, जल्दी जाइए। तो सब हाथ साफ करने गए तक हम स्टार्ट करते हैं। बैठो उधर, खाना नहीं खाना, ये लो। और ऋषभ खान, अबे यार खाना खाना नहीं आता आपको? आता है ना, ये लो। अच्छा है खाना? इधर देखो, खाना अच्छा है, टेस्टी है। आपको अच्छा लगा खाना? नहीं निकालना नहीं है, निकालना नहीं है, निकालते नहीं, गंदा बच्चा है ये। कभी कभी खाना बाहर निकाल के फेंक देते हैं, इसको अच्छा नहीं लगता। तो काफ़ी देर से काम कर रहे हैं ऑफिस का, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, खाना खाया था उतना अजीब से होता है। ऐसा होता नहीं, घर में रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम चलता है तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता है। तो ऑफिस में रहते तो भाई कंटिन्यू काम करने लग, लंच ब्रेक, लंच में ही हम लंच करेंगे, फिर हमारा जो टी ब्रेक होता है उसमें जो कुछ खाना पीना होता था टी वगैरह हम तब ले देते। बट घर पे क्या होता है, कभी भी कुछ भी मन करा जाके फ्रिज खोला और खाने के लिए लेके पूरे दिन खाते रहो खाते रहो खाते रहो, शरीर भी पूरा मतलब एकदम ख़राब हो चुका है खा खा के। अभी एकदम मन ऐसा कर रहा है कि कोई बढ़िया सा मीठी चीज़ खाने को मिल जाए और मस्त से दोबारा अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट हम कर सकें। तो अभी मैं कुछ मीठा खाने के लिए देखता हूँ क्या है फ्रिज में। फ्रिज में नहीं होगा तो फिर दुकान से लेना पड़ेगा। चलो देखते हैं, देखते हैं फ्रिज में क्या मिलता है, कुछ है भी या नहीं है, कुछ पता नहीं है। ओ फ्रिज में तो सब्जी खाना पीना रखा है, कुछ स्वीट तो है ही नहीं, दुकान से लाना पड़ेगा, दुकान से लाना। भाई आ गए हैं दुकान में भाई की, और अब देखते हैं इसके फ्रिज में क्या है। कुछ है फ्रिज में मीठा खाने के लिए? इधर फ्रूटी रखी हुई है, इधर किट कैट है, कोक है, दूध है और नीचे लस्सी। क्या लूँगे? कुछ है? अच्छा किट कैट ही खा लेते हैं यार। एक हैप्पी नहीं है क्या तेरे इधर? अरे यार वो ऑफिस से कोई लड़का आ रहा है, उसको बुलानी है, दो दे दे सर। ओके हमने ली है दो ये और एक किट कैट। एक्चुअली क्या है ना, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा इरिटेट हो गया हूँ। इसका क्या हुआ है, दो रैम है इसमें 8-8 GB की, तो इसकी एक रैम ख़राब हो गई है, उसकी वजह से इसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है। तो मैंने ऑफिस में कंप्लेंट की है, तो ऑफिस से एक बंदा आ रहा है इसको ठीक करने के लिए। तो ऐसा सीन है ना कि आदमी की दो किडनी होती है और एक किडनी ख़राब हो जाए, उसको एक किडनी पे चलाओ तो दिक्कत तो होती है ही। सेम इसके साथ भी प्रॉब्लम है, इसकी एक रैम ख़राब है तो एक पे अभी चल रहा है, तो एक की वजह से इसकी स्पीड स्लो हो गई है। तो वो भैया को मैंने बोला हुआ है, वो आएंगे तो फिर इसको
स्कूम आज वो ठीक करने आ रहे हैं, दोनों रैम हमारी रिप्लेस हो जाएंगी तो वापस हमारा सिस्टम अपनी फुल स्पीड में चलेगा और हमारा काम भी एकदम अच्छे से हम कर पाएंगे। किटकैट लेके आए थे तो किटकैट खाते हैं एंड अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं। तो भैया आए थे, हमारा सिस्टम अभी दोनों रैम रिप्लेस करके चले गए और वापस हमारा सिस्टम अपनी फुल स्पीड में चल रहा है। तो हमारा अप्रोक्स जो 1 घंटे का काम हुआ करता था वो 30 मिनट 40 मिनट में ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि सिस्टम की स्पीड बढ़ गई है उससे। तो काफ़ी अब मज़ा आ रहा है इस पर काम करने में। कि बाइक आ गई, इधर चलाओ, चलानी आती है, पैडल लगाओ पैडल। अभी इसकी नई बाइक है तो इसको क्या हो गया, इधर बता क्या हुआ, चोट लग गई साइकिल के, क्या करना है, इसका इंजेक्शन लगवाना है, हाँ चोट लगी है, चलाओ चलाओ आगे चलाओ, लेके आओ। ये ऋषभ की बाइक आ गई। कैसी है बाइक बोलो, चल रही है। ये ऋषभ की बाइक है और ऋषभ बाइक चलानी सीख रहा है अभी। हाँ भाई बताओ, कहाँ से लेके आए थे इसको, क्या होगा, ठोकेगा ये, इसको ठोकेगा। हाँ इसने बोला था मम्मी को ठोकूंगा, मम्मी की बाइक ठोक दी, मेरे को नहीं ठोकनी। ये मेरे में बाइक ठोकेगा। ओ भाई 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 भाई, एक्सीडेंट कर दिया। नहीं 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 मेरे में मत ठोकना। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बस 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 बस, शाम हो गई है, चाय पीने का मन कर रहा है, घर में कोई चाय बनाने वाला नहीं है, चाय बना दे यार एक कप। चाय कोई पीता नहीं ना मैं घर में, ये भी चाय नहीं पीता, इसको बॉलवीटा पिलाते तो बोलता चाय है, सिर्फ दूध ही पिएगा, है ना। बॉलवीटा खाओगे, खा लिया, बॉलवीटा इसको चाहिए तो वैसे दूध में मिक्स करके नहीं पिएगा, कटोरी में रख दो खाएगा, बोलता नहीं तो चाय है ये, तो मेरे को चाय पीनी है तो मैं खुद ही बनाऊँगा चाय। अरे सब चला रहा है उधर फोन, और ये श्रीमती जी, अरे यार चाय बना दे, अरे एक कप बना दे मेरे को पीनी है बस, यार चाय नहीं बना रही, चाय नहीं पीते क्यों, अरे यार मेरे को पीनी है ना, तुम सम्मत पिया करो, मेरे को मेरे सिर दर्द हो गया काम करके ऑफिस का। अच्छा। एक कप चाय बनाओ जल्दी, मस्त तड़का मार के कुछ, चाय नहीं नींबू पानी, अरे चल नींबू पानी मेरे को नहीं पीना, चाय बनाओ और वो कुछ चीला वीला बना लो, बेसन का मूंग की दाल का मजा ही आ जाएगा आज तो। ये हमारे चीनू भाई की दुकान है। हाँ भाई चीनू यार बेसन दे दे, चीले बनाने आज चाय के साथ, चीले नमकीन। ये देखो 5 रुपए वाला बॉलवीटा आता है, ये लड़की इतनी बड़ी हो गई 5 वाले का बॉलवीटा पी के। फाइनली चीले रेडी हो गए हैं और ऋषभ ने एकदम अटैक कर दिया चीलों पे। चीले खाओगे, अच्छा लग रहा है आपको, कैसा टेस्ट है, टेस्ट कैसा है, अच्छा है। अरे सबको टेस्ट अच्छा लगा इसका चीले का, एक कप चाय गर्मा गर्म, आहा हा मज़ा आ जाएगा चीले के साथ। ऋषभ लगा हुआ है पूरा खाने पे कॉन्सेंट्रेट है। हाँ भाई इधर देख, अब देख ब्लॉग हम अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँचे।